कि कुछ वक्ताओं को सुनते ही रहें और आराम से बाहर नीचे बैठकर सुने, परंतु समय की विडंबना है कि हम उतना सुनने का सौभाग्य ही नहीं मिलता है। मैं इस क्रम में आगे आदरणीय आपके पिताजी के साथ सुनने का, देखने का, रहने का अवसर भी मुझे मिला है, भोजराज जी दुबे जी के साथ, सौभाग्य है मेरा। और आज शायद राजस्थान ज्योतिष जगत के स्थापित घरानों में से एक घराना है दुबे जी परिवार। मैं रमेश भोजराज दुबे जी से निवेदन करूंगा कि इस मंच को आशीर्वाद स्वरूप अपना त्रिवेदी जी, द्विवेदी सही बोल रहा हूं मैं भैया, गलत मत करो, वर्षों से जानता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप पधारें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुत्रवास्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विद्वान ज्योतिर्विद मातृशक्ति, सर्वप्रथम माँ भुवनेश्वरी के चरणों में नमन वंदन, और श्री संतोष भार्गव जी का बहुत बहुत आभार, उनके बुलावे पर अक्सर मेरा इंदौर आना होता है। भाई सुभेश जी का स्वागत है, बहुत विस्तृत चर्चा ज्योतिष की चल रही है और इस समय जब पितृपक्ष चल रहा है तब मैं समझता हूँ कि पितरों के लिए ज्ञान के इस महायज्ञ में इससे बड़ी आहुति कोई हो नहीं सकती। मंच पर और सामने ऐसे विद्वान ज्योतिर्विद हैं जिन्होंने मेरे पिताश्री के साथ कार्य किया है, उनके साथ कई सम्मेलनों का आयोजन भी हुआ है। समस्या ज्योतिष की मैं दो चार मिनट में ही अपनी बात कहूंगा कि समस्या ज्योतिष की ये हुई है कि ज्योतिषी टोटकों में फंस कर रह गया है। हमें गो गीता गंगा गायत्री पर वापस लौटना पड़ेगा, तभी ज्योतिष का उद्धार हो सकता है। और टोटकों से सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। टोटकों से किसी का भला नहीं हो सकता। और टोटके भी ऊट पटांग आने लग गए। ज्योतिष में जो उपाय है, उपाय और टोटकों में बड़ा फर्क है। उपाय का विकृत रूप है टोटके। उपाय में तो यह है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है कि पक्षियों को दाना दो, गाय को घास खिलाओ, अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करो। और टोटके इस प्रकार से हो गए हैं कि उतारा कर दो, सात नींबू लेके अपने ऊपर से उसार कर चौराहे पे डाल दो, चार टुकड़े खड़े कर दो, किसी का भला नहीं होना। परंतु व्यक्ति परेशान है, दुखी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे चमत्कारिक उपाय को खोजता है कि जिससे मेरा आज ही शाम को ही कल्याण हो जाए। ऐसा कोई चमत्कार यूट्यूब पे अभी कई कई ज्योतिषी चल रहे हैं, ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस उपाय को करने से छप्पर फाड़कर बरसेगी लक्ष्मी,
और वो वीडियो ट्रेंडिंग में भी है। परंतु ये जरूरी नहीं कि जो प्रचलित है वो सही है। हमको सही और गलत में फर्क करना पड़ेगा। जो उपाय है ज्योतिर्विद के वो लोक कल्याणकारी हो तो निश्चित रूप से उससे व्यक्ति के पुण्य में वृद्धि होगी और उसका पुण्योदय ही उसके भाग्योदय का कारण बनेगा। हमने गाय की सेवा छोड़ दी और गायत्री मंत्र तो कई लोग करते ही नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणियां गलत क्यों होती है? अगर ज्योतिषी गायत्री मंत्र नहीं करता है, त्रिकाल संध्या नहीं करता है या एक काल संध्या भी नहीं करता है तो कैसे उसके मुखारविंद से सरस्वती प्रस्फुटित होगी? ये विचारणीय विषय है। विभिन्न प्रकार के उपायों पे बात चल रही थी। पूर्व वक्ता ने कहा कि भाई मुसलमानों में जो है वो बंधन कर देते हैं और हमारे वेदों में तो इतनी शक्ति है, भारतीय वांग्मय में इतनी शक्ति है कि हम उनको नियंत्रित कर देते हैं। बंधन तो भूत प्रेत को बंधन करना तो अलग बात है, हम उनको नियंत्रित कर देते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको पुराणों में भी मिल जाएंगे, वेदों में भी मिल जाएंगे, भारतीय शास्त्र धर्म शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। पितृपक्ष चल रहा है और पितृ दोष को लेकर कई प्रकार की बातें होती है, कुंडली में पितृ दोष है और ये उपाय कराओ। और पितृ दोष अमूमन हर कुंडली में, हर तीसरी कुंडली में ज्योतिषी पितृ दोष को प्रेडिक्ट करता है। अगर आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, पितृ गायत्री करते हैं या पीपल को सींचते हैं तो मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का पितृ दोष व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है। सबसे सरल उपाय है कि अगर किसी की कुंडली में भी पितृ दोष है, क्योंकि पितृ लोक में जलाभाव है, चंद्रयान पहुंच गया और उसने भी ये पुष्टि की है, जो चंद्रलोक है उसे ही पितृलोक कहते हैं, 15 दिन के रात 15 दिन की सुबह दिन वही होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो ये सब आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमने अपने मूल कर्म को त्याग दिया है। अगर हम कोई भी व्यक्ति किसी की कुंडली में अगर पितृ दोष दिखाई देता है तो उसे कहें कि पीपल की सेवा करो, पीपल को सींचो, पीपल में दिया हुआ जल सीधा पितृलोक जाता है और पितृ की आत्मा, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा ये जो पक्ष चल रहा है इसमें नियमित रूप से पितरों के निमित्त तर्पण, तिलांजलि, जलांजलि, तिल मिश्रित जल से अंजलि, जलांजलि अपने गोत्रोच्चार को करते हुए पितरों को जल पिलाएं। निश्चित रूप से मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से पितृ दोष आपको परेशान कर सकता है। एक छोटा सा टिप्स मैं और दूंगा, जैसे कि राहु के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां भी है और कई प्रकार के दुर्योगों का निर्माण भी होता है, क्योंकि राहु मैलेफिक प्लैनेट है और जिस भाव में बैठता है प्राय प्राय उस भाव के फल को नष्ट करता है, अगर भावेश बलवान नहीं हो तो। और जिस ग्रह के साथ विराजता है, जिस ग्रह के साथ स्थित है, उस ग्रह के शुभ फलों में भी कमी लाता है। इसलिए चांडाल योग, ग्रहण योग, चंद्र राहु की युति, सूर्य राहु की युति, इस प्रकार की युतियां विभिन्न प्रकार के दुर्योगों का निर्माण करती है। चंद्रमा किस भाव का स्वामी है और ज्योतिष में कहा गया है द्रव्य दाता तू चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जात, तो व्यक्ति के मन में तरह तरह की विकृतियां उत्पन्न होती है और व्यक्ति को दनाभाव रहता है। तो राहु से अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है
तो आप शनिवार के दिन, हालांकि ये टोटका नहीं है निश्चित रूप से, आप मान के चलें ये उपाय है, गाय का गोबर जो है उसका एक दीपक बनाकर गौ घृत से उसे पूरित करके शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलें, क्यों मैंने पहले ही पूर्व में ही कहा कि हमने गौ गंगा गायत्री को छोड़ दिया है, गंगा जल के उपाय नहीं आ रहे हैं। उपाय कैसे आ रहे हैं कि सात नींबू की माला शिवलिंग पर चढ़ा दो अपने ऊपर से उत्सार कर। अरे तुम्हारा उतारा शिवलिंग पर, कैसी आराधना, कैसी भक्ति, कैसे आध्यात्मिक हो, अपने कष्टों का निवारण शिव को दे रहे हो। हालांकि शिव तो स्वयं हलाल पान किया हुआ है, परंतु हम ही हलाल को पिलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आप गोबर से एक दीपक बनाकर गोग्रत से पूरित करके शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि राहु से संबंधित जो भी परेशानी कुंडली में है, राहु की दशा के कारण है, गोचर में राहु का कोई परिभ्रमण है उस कारण से परेशानी हो रही है, तो उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। भाई संतोष जी का बहुत बहुत आभार, आप सभी को सुन के बहुत आनंद आ रहा है और पितृ पक्ष में यह ज्ञान का महायज्ञ निश्चित रूप से पितरों के प्रति अपनी आस्था का परिचायक है। आभार।